दोस्तों, अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया को एक खतरनाक टीम मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2021 का फाइनल धमाकेदार अंदाज से जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली बार खिताब पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, एक शानदार फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के शेरों ने कीवियों के पर कतर कर रख दिए हैं और एक तरफा अंदाज में मुकाबला जीत दिया। दोस्तों, फाइनल में डेविड वॉर्नर और मिशेल मार्श ने इतना धमाकेदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया कि कीवी टीम के गेंदबाजों के पास वापसी करने का कोई मौका ही नहीं रहा और एक बार फिर से ICC टूर्नामेंट में केन विलियमसन टीम को निराशा ही हाथ लगी। ऐसे में दोस्तों, इस फाइनल मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि एरॉन फिंच की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, लगातार दो सेमीफाइनल मैचों में एक हारा हुआ मैच जीतकर फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में निर्णायक मुकाबले में कांटे की टक्कर होने की पूरी उम्मीद थी, पर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में बेखौफ अंदाज से खेलते हुए एक बार फिर से साबित कर दिया कि करो या मरो के मुकाबले में क्यों ऑस्ट्रेलिया इतनी खतरनाक टीम साबित होती है। दोस्तों, दुबई स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरॉन फिंच ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और उनके गेंदबाजों ने इस फैसले को सही भी साबित कर दिया, क्योंकि तीसरे ओवर में ही पिछले मैच के हीरो डेरिल मिशेल सिर्फ 11 रन बनाकर हेजलवुड का शिकार बने और 28 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को पहला झटका लग गया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान केन विलियमसन और दोस्तों उन्होंने गुप्तिल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने सदी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और जिसकी वजह से कीवी बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी मुश्किलें आ रही थी और इस दौरान गुप्तिल ने धीमी बल्लेबाजी करी और जिसका पूरा दबाव कप्तान केन विलियमसन के कंधों पर आ गया। दोस्तों, गुप्तिल ने 28 रन बनाने के लिए 35 गेंदें बर्बाद कर दी और फिर लेग स्पिनर एडम जंपा ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, गुप्तिल और केन विलियमसन ने दूसरे विकेट के लिए 44 गेंदों में 48 रनों की साझेदारी करी, लेकिन ये रन गति काफी धीमी थी और दोस्तों, न्यूजीलैंड ने पहले 10 ओवर में सिर्फ 57 रन बनाए थे, जिसके बाद कप्तान को गियर बदलने की जरूरत थी और उन्होंने एक एंड से आक्रमण करना शुरू कर दिया। दोस्तों, 13वें ओवर में विलियमसन ने मैक्सवेल को आड़े हाथों लेते हुए दो गगनचुंबी छक्के जड़े और फिर दूसरे एंड पर खड़े ग्लेन फिलिप्स ने भी 15वें ओवर में एडम जंपा को रिमांड पर लेते एक छक्का और एक चौका जड़ दिया और अब न्यूजीलैंड 15 ओवर में दो विकेट खोकर 114 रन बना चुकी थी और अब आखिरी 5 ओवर में और तेजी से रन बनाने की जरूरत थी और केन विलियमसन ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ था, जिसमें केन ने एक ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज मिशेल स्टार्क के 16वें ओवर में 22 रन ठोक दिए और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। दोस्तों, इस दौरान विलियमसन ने ताबड़तोड़ अर्धशतक भी जड़ दिया, लेकिन फिर 85 रन बनाकर हेजलवुड का दूसरा शिकार बन गए, जिसके बाद जेम्स नीशम ने 7 गेंदों में 13 और टिम सिफर्ट ने 6 गेंदों में 8 रन बनाकर न्यूजीलैंड का स्कोर 20 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन पहुंचा दिया। यानी कि दोस्तों, जहां पहले 10 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 57 रन बनाए और वहीं आखिरी के 10 ओवर में केन विलियमसन की कप्तानी पारी की बदौलत कीवी टीम ने 115 रन बना डाले और ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने इस निर्णायक फाइनल मुकाबले में एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख दिया। दोस्तों, 173 रन के लक्ष्य का फाइनल मुकाबले में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ये आसान नहीं है और प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने अपने दूसरे ओवर में ही कप्तान एरॉन फिंच को पवेलियन भेजकर ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका दे दिया। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए मिशेल मार्श ने डेविड वॉर्नर के साथ एक ऐसी साझेदारी कर डाली जिसके बाद मैच पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त में आ गया। दोस्तों, एक एंड से जहां वॉर्नर काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरे एंड से मार्श ने एक बुलंद इरादे के साथ मैदान पर कदम रखा था। उन्होंने आते ही पहले 6 ओवर में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी और इस दौरान 4थे ओवर में एडम मिलने को रिमांड पर लेते हुए 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों, 5वें ओवर में टिम साउदी की गेंद पर वॉर्नर ने भी एक शानदार छक्का लगाया और ऑस्ट्रेलिया की गाड़ी पटरी पर दौड़ती हुई दिखाई देने लगी। दोस्तों, पहले 6 ओवर में वॉर्नर और मार्श की जोड़ी ने 43 रन बना लिए थे, जिसके बाद केन विलियमसन ने दोनों एंड से ईश सोढ़ी और मिशेल शैटनर को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया, पर न्यूजीलैंड के कप्तान का यह पैंतरा बिल्कुल फ्लॉप साबित हो गया, क्योंकि 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए सोढ़ी ने एक ही ओवर में 2 चौके और एक छक्का जड़कर वॉर्नर ने 17 रन ठोक दिए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट खोकर 77 रन बना लिए थे, जिसके बाद पहले 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 83 रन का आंकड़ा छू लिया था और यहां से जीत के लिए 10 ओवर में 51 रन बनाने थे और जबकि 9 विकेट ऑस्ट्रेलिया के हाथों में थे। रही सही कसर नीशम ने 11वें ओवर में पूरी कर दी, जहां वॉर्नर और मार्श ने एक एक छक्का जड़ा और एक ही ओवर में 15 रन बटोर लिए और इसी ओवर में वॉर्नर ने फाइनल मुकाबले में अपना शानदार
जोरदार अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद 13वें ओवर में विलियमसन ने एक बोल्ड को गेंद सौंपी और उन्होंने वार्नर का बड़ा विकेट निकाल लिया, जिसके बाद लगा कि न्यूजीलैंड की टीम मैच में वापसी कर सकती है। लेकिन अगले ओवर में कप्तान विलियमसन ने एक बड़ी चूक कर दी, क्योंकि उन्होंने पहले दो ओवर में 20 रन के ऊपर रन खा चुके ईश सोढ़ी से गेंदबाजी करा दी, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा, क्योंकि इस ओवर में मार्श ने खुद मोर्चा संभाला और 16 रन ठोकर न्यूजीलैंड की मैच में वापसी की उम्मीद पर पानी फेर दिया। और दोस्तों 14 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट खोकर 125 रन हो चुका था और यहां से जीत के लिए चाहिए थे मात्र 48 रनों की। और अगले ओवर में मैक्सवेल ने एडम मिलने की दो गेंदों पर दो शानदार चौके लगा दिए और ओवर से 11 रन निकाल लिए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 5 ओवर में जीतने के लिए सिर्फ 39 रनों की जरूरत थी और मैच ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मुट्ठी में कर लिया था। दोस्तों मैक्सवेल का बल्ला भी चलना शुरू हो गया था और उन्होंने टीम साउदी के 16 ओवर में एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 149 रन पहुंचा दिया था और यहां से मात्र जीत के लिए औपचारिकता ही रह गई थी, क्योंकि 4 ओवर में सिर्फ 24 रन चाहिए थे और अभी भी 8 विकेट बाकी थे। दोस्तों कप्तान केन विलियमसन ने 17वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट को गेंदबाजी पर लाकर विकेट लेने की आखिरी कोशिश की, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से उस ओवर को निकाल दिया, जिसके बाद 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर मैक्सवेल ने एक शानदार चौका जड़कर ऑस्ट्रेलिया को पहली बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब दिला दिया। दोस्तों फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिशेल मार्श ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 77 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जबकि दूसरे एंड पर मैक्सवेल ने 18 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से ICC फाइनल में न्यूजीलैंड को 7 गेंदें शेष रहते ही 8 विकेट से धूल चढ़ा दी। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की इस जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।